जाने अभी का 4 घंटे पहले का वो नहीं चलेगा, वहाँ पे चेकअप कराना है। बताओ रात के 9:30 बजे यू आर एट नामिकला, आ गए मैग्नेटिक हिल फाइनली फातुला टॉप। सो अब हम लोग निकल रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल से। टाइम हो रहा है 3:57 अप्रॉक्स 4 बजे समझ लो आप। यहाँ से कारगिल है अप्रॉक्स 2 आवर्स की डिस्टेंस पे और ले है 5.5 घंटे की डिस्टेंस। तो अभी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 से 10 बज जाएगा। एज पर गूगल मैप ब्रेक नहीं इंक्लूडेड है, ब्रेक अगर इंक्लूड करेंगे तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप प्लान किया हमने कारगिल में और यहाँ से लैंडस्केप बहुत खूबसूरत लग रहा है। नेकेड आइस से क्लाउड्स मूव करते हुए समझ में आ रहे हैं। अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई कि यार हमारी सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कितने जवानों ने अपना बलिदान दिया है। आप लोगों ने कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी देखी, शायद शेरशाह मूवी भी बहुतों ने देखी होगी, बट बहुत से ऐसे भी हीरोज हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। यहाँ से कारगिल के लिए जो रोड जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ लोकल से बात की थी, पूछा था तो उन्होंने बताया था कि रोड आपको हर जगह ऐसा ही मिलेगा। अभी टाइम हो रहा है 4 और कारगिल के चक्कर में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया था। कारगिल 49 एंड ले 279 किलोमीटर, होटल में ही ब्रेकफास्ट किया था, एग ऑमलेट और चाय। उसके बाद से 2-3 चाय पिए बट खाया कुछ नहीं है। सच बताऊं तो भूख भी नहीं लग रही है, बट हाँ अगर आप माउंटेन्स पे आते हैं सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है पानी पीते रहना। माउंटेन सिकनेस आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे 2 दिन पहले सर दर्द हो रहा था, पठानकोट में मैंने डायमॉक्स खाई, उसके बाद ओ माय गॉड कितना धुआं छोड़ते हैं यार। उसके बाद मैंने श्रीनगर में कल डायमो खाई थी, फिर हम लोग सोनमर्ग आए, आज मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो रहा था। कंटिन्यू हम लोग पानी पी रहे हैं। ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी क्या ठीक ठाक लग रही है, बट मैंने ये ग्लव्स रख लिए थे सर्दी के लिए। तो मेरा जब राइडिंग ग्लव्स खोया तो मैंने इन ग्लव्स को आज राइड करने के लिए यूज कर लिया, और इन केस अगर मुझे लेह में अच्छे राइडिंग ग्लव्स मिल गए तो मैं वो परचेज कर लूंगा, क्योंकि इन ग्लव्स के साथ राइड करना प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा खास फील भी नहीं हो रहा कि कहीं किसी की तरह की कोई दिक्कत है, बट क्या रहता है प्रॉपर गियर होने चाहिए सेफ्टी के लिए। इनसे क्या है सेफ्टी नहीं है उतनी ज्यादा। क्या बात है, मैंने आपसे कहा था कि अब आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे कुछ मिट्टी वाले पहाड़ भी मिलेंगे, येलोइश सैंड, और ये है यहाँ पर मिट्टी वाले पहाड़ भी हैं। यहाँ का नजारा देख लो, ये जो सामने धूप पड़ रही है ना कहाँ से आ रही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सनलाइट कहीं नहीं दिख रही है ना इस पहाड़ से। अगर उधर सन होता तो इस पे आनी चाहिए थी, इधर होता तो इस पे आनी चाहिए थी, कहीं नहीं दिख रही है। बट ऊपर आप देखेंगे कुछ पोर्शन ऐसे हैं वहां पर सनलाइट दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इस तरह के बादलों में ना फोटो क्लिक कराने के बाद किसी तरह की एडिटिंग की जरूरत नहीं है। वाह, और चिनाब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमारे साथ ही साथ चल रही है, कह रही है तुम्हारे साथ ही लेह लद्दाख करेंगे, तुम्हारे साथ ही कानपुर चलेंगे। अब ग्रीन माउंटेन्स एकदम खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अब आपको यहाँ पे रॉक माउंटेन्स दिख रहे हैं, और यहाँ से लेकर के ले तक फ्यूल का पेट्रोल पंप का कोई खास इशू कहीं पे भी नहीं है। आपने देखा होगा द्रास में 2 पेट्रोल पंप थे, और आगे भी आप देखेंगे कंटिन्यू फ्यूल के इस तरह के हमको व्हीकल्स दिख रहे हैं। एक चीज और भी रहती है कि अब विंटर शुरू होने वाली, इसलिए सब स्टोरेज भी चल रहा है, क्योंकि बहुत से पार्ट ऐसे हैं लेह लद्दाख के, कारगिल के, सियाचिन में, वहाँ पे क्या है कुछ समय के लिए पूरी तरह से डिस्कनेक्शन हो जाता है कंट्री के बाकी पार्ट से, तो इसलिए भी स्टोरेज कर लेते हैं लोग। खूबसूरत सा ब्रिज, आयरन ब्रिज है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। पहले हम लोग चल रहे थे वहां पर क्या था सनलाइट नहीं थी, और अब देखिए, आपने अगर सचपास राइड देखी होगी तो हर टर्न पे भगवान के मंदिर होते हैं, वैसे ही मंदिर अब हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बट नो डाउट यार, मतलब प्यार हो गया इस जगह से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी हम लोग रुके थे यहाँ पर और यहाँ के व्यू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और रिवर को देखिए, वहाँ पे ग्रीनिश वाटर था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, वाटर फ्लो बहुत खूबसूरत लग रहा है, व्यू बहुत अच्छे हैं, उधर से क्लियर सनलाइट यहाँ पे आ रही है। क्या भाई मजा आ गया, अभी कारगिल बचा है ना अपना, तो यहाँ से कारगिल बचा है 10-12 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग ड्रोन शॉट ट्राई कर रहे थे, बट बार बार हाई विंड का अलार्म आ रहा था, हाई एल्टीट्यूड का अलार्म आ रहा था। क्या लग रहा है भैया कितने का है? 30, दोनों का दे दो।
हेलो, यहाँ पर एक नया रूल आ गया है, एंट्री होने लगी है 30 रुपीज पर व्हीकल। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था उसने, बट पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उनको देखने के बाद तो नहीं लग रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई चेक पोस्ट है। अभी तो लेह में परमिट भी खत्म कर दिया। अब हम लोग कारगिल क्रॉस कर रहे हैं, इस समय कारगिल टाउन के लिए ये रास्ता है, बट ये आउटसाइड से है, क्योंकि अगर आपको कारगिल टाउन जाना है तो आप उससे जा सकते हैं, ले इससे जा सकते हैं। ये कारगिल सिटी है, यहाँ पे स्टे करने के लिए होटल्स वगैरह बहुत हैं, किनारे से सारे होटल्स हैं। सब हमारी डेस्टिनेशन है ले, यानी कि धीरे धीरे होता है ना कि अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। यार कैब भाई, मुझे ना इस तरह के ब्रिजेस से निकलना बहुत पसंद है। हाँ, और यहाँ माउंटेन्स ने अपना रंग बदल दिया, वहाँ पे रॉक, यहाँ पे देखिए सैंड माउंटेन। अभी हम लोग रुके थे 2 मिनट के लिए बैटरी चेंज करने के लिए, सिर्फ बैटरी चेंज करी है। एक्चुअली माउंटेन्स पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते जैसे ही आप ऊपर जाएंगे बैटरी उसी तरह फास्ट ड्रेन भी करती है, और दूसरा इतना ब्यूटीफुल है चीजें, और जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं ना तो आपका मन करता है कि यार ये भी रिकॉर्ड कर लें, वो भी रिकॉर्ड कर लें, तो इसीलिए थोड़ा बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। और अभी मैंने थर्ड टाइम बैटरी चेंज की है, तो यहाँ से ले बचा हुआ है 195 किलोमीटर। मैंने सोचा कि एक बार आपको सामने का व्यू दिखा दूं, बहुत मजेदार लग रहा है। ये देखो, ये छोटा सा कोई गांव है, ये ऊपर देखिए कितना बेहतरीन कंस्ट्रक्शन जिसने बनवाया। मुझे ऐसा लग रहा है कोई गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके लिए है, मे बी टेलीकॉम से रिलेटेड लग रहा है। द माउंट एम्बिएंट कैफे चंबा। ले में नहीं पहुंचे हैं अभी तो, 200 किलोमीटर ले है। यहाँ पर स्कूल होटल हर चीज हमको दिख रहा है। नामिकला पास भी यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अपने को एक पास और मिल जाएगा। फिलहाल ये जो लद्दाख फुल सर्किट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ क्या है, आपको न्यूब्रा, पैंगोंग, खारदुकला, जोजिला पास, नामिकला पास, फुतुला पास, ये सारे जाएंगे। ये सीनिक व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में बहुत लेट हो जाता, होता क्या है कि रात को डेटा कॉपी करते हैं, डेटा कॉपी करने के बाद जब सोते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। नामिकला 3 किलोमीटर, ले 178 किलोमीटर। और बाइक राइड के लिए ना ये ग्लव्स उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो ग्रिप बनती है ना इसमें, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा स्पंजी टाइप का होता है। अब हम नामिकला पास पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यू आर एट नामिकला एटीट्यूड 12198। 2 मिनट के लिए रुकते हैं यहीं पे, मैं वेट करता हूँ कैब भाई का। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, आप फील तो नहीं कर सकते बट मैं फील कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। क्या व्यू है यार, कैब भाई आ गए, मैं वेट कर रहा था 15-20 मिनट से, आराम से वो आ गए। ये नामिकला पास आपके सामने, और अब यहाँ से निकलते हैं। तो अब होने लगी है शाम, और हमें बचा हुआ है अप्रोक्स 160 किलोमीटर। भी हमें हिल्स पे 160 किलोमीटर और चलानी है। ठीक ठाक शाम हो गई है, लाइटें जल चुकी हैं, टाइम हो रहा है 6:49। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे मैगी खाई, चाय पी, अब यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 7:25। यहाँ से फतुला पास है 40 किलोमीटर। क्या चेक कर रहे भैया, यूपी 78? नहीं, एक लोग और है। यहाँ पर इन्होंने एंट्री की है, बाइक नंबर लिया, फोन नंबर लिया, और कितने लोग हैं ये एंट्री की है। आ जाओ, मैंने करा दी। अब यहाँ से निकलते हैं, रात काफी हो चुकी, जाना बहुत दूर है। ओह, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो फाइनली फतुला टॉप, एल्टीट्यूड 13,473 फीट में आपका स्वागत है। 30 से 35 किलोमीटर चलने के बाद मैं इतना रिलैक्स जो खड़ा हूँ, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ब्लॉक करना शुरू किया बैटरी डेड हो गई। और ये है फतुला टॉप, फाइनली फतुला टॉप की पिक्चर आ गई। श्रीनगर ले हाईवे का हाईएस्ट टॉप है। ओके भाई, नहीं मैं था औरंगाबाद में भाई, बहुत ठंडी यार क्या भाई। सो फतुला पास से आने के बाद हम आ गए हैं लामा यूरो। फतुला टॉप से निकलने के बाद अप्रोक्स 30 मिनट बाइक चलाने के बाद हम पहुंचे हैं लामा यूरो में। यहाँ पे रुके हैं टी ब्रेक के लिए, हमारी चाय आ गई है, और यहाँ से फटाफट चाय पीते, क्योंकि होता क्या पहाड़ों पे अगर है तो आपको फोन मोबाइल की बैटरी के साथ अपनी बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है, और वो होती है चाय की। चाय पी ली है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, इसीलिए हम लोग रुक गए। हमको जबकि जाना है नीचे, हम यहाँ से ऊपर चढ़ के आए फिर इस गेट से एंट्री करी। चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। हाँ, ये सब ले लद्दाख है, बट ये अलग डिस्ट्रिक्ट, ले डिस्ट्रिक्ट अलग है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने पे ये कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग को बोल दिया गया है, सामने लिखा हुआ है ले 97, यहाँ पे रोका गया है। अभी जाके मेडिकल कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे चेकअप कराना है। बताओ, रात के 9:30 बजे, टाइम हो रहा 9:36, और हम ले के गेट पे हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के, बट फिर भी एंटर नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों? कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड टेस्ट कराना है
उसके बाद यहाँ से जाना है। अभी करा के आए हैं अभी का 4 घंटे पहले का, वो नहीं चलेगा। 4 घंटे पहले का लद्दाख यूटी में कराया हमने, वो लद्दाख यूटी वो करगिल है, ये ले है। सो यहाँ से जब हमने ले लद्दाख में एंट्री की थी, जो एंटीगेजन कराया था 1.5 घंटे वेस्ट हुआ था, वो चीज यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। इन्होंने बोला है कि अब दोबारा कराना है, दिखाते हैं। अभी करा के आए ले के अंदर। सो ले वाला जो एंटीजन था उसको एक्सेप्ट किया है अभी कि यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, बस एंट्री होनी है। ले आने वालों को यहाँ पे होता है, करगिल में रुकने वालों को करगिल में करते हैं एंट्री। कराने के बाद अब हम निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:53, अप्रॉक्स 25 मिनट्स वेस्ट हो गए। ले है 97, आ गए हैं मैग्नेटिक हिल, द मैग्नेटिक हिल। टाइम हो रहा है 11:20। भाई मजे आ गए, बाइक चलती हुई छोड़ देते हैं ना, फोटो खिंचाएंगे कितनी दूर। भाई की बात है, एक फोटो तो रात का टाइम है, हम कल भी आएंगे, कल भी फोटो खिंचाएंगे, बट नाइट का, आज की जो मेमोरी है, आज की जो मेहनत है, आज का जो टारगेट है, वो पूरा करने के बाद अगर एक फोटो भी ना हो तो बेकार। ये छोटे छोटे सपने हैं जिनको पूरा करके जो खुशी मिलती है। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है ले सिटी में, हमारे पूरे दिन के मेहनत के बाद। टाइम हो रहा है 11:45 और ये देखिए इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर फाइटर जेट। वेलकम टू ले। हाँ जी, टाइम हो रहा है 12:52 और हम हैं ले में अपने होटल में, और पीछे कैब भाई सो कॉल्ड डिनर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि हमने यहाँ पर फूड के लिए बहुत ट्राई किया बट कहीं नहीं मिला, क्योंकि 12 बजे के बाद सारा मार्केट बंद हो गया था। उसके बाद जो होटल है हमने उन्हीं से बात की, उन्होंने एग ऑमलेट हमें बना के दे दिया। फिलहाल एग ऑमलेट खाते हैं और आज की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा आज के सफ़र का। थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया एक दो जगह पे, बट वो तो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, और कुछ चीजें हमने एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, जैसे कि मैग्नेटिक हिल नहीं देख पाए। ब्लॉग में आपने देखा होगा बट उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पत्ता साहिब गुरुद्वारा, हॉल ऑफ फेम, ये 2-3 चीजें हमने एक्सप्लोर नहीं कर पाई, जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे कल। कल हम जाएंगे ये सारे प्लेसेस पे, ले मार्केट जाएंगे, शांति स्तूपा जाएंगे। कल का दिन, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। फिलहाल मेरा एग ऑमलेट ठंडा हो रहा है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।